हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपका जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर ऑफ मैन विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग लेट प्लिस्टोसीन इज, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंडरथल मैन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच वन इलस्ट्रेट्स पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉसिल मैन इज मोस्ट रिसेंट। मोस्ट रिसेंट जो आपका फॉसिल मैन है वो कौन सा है, ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन मैन जो है ये आपका मोस्ट रिसेंट है। नेक्स्ट है, एवोल्यूशन ऑफ मैन वॉज पॉसिबल बिकॉज अवर एपीलाइक एंसेस्टर हैड। तो इसमें आपका जो बाइपीडल मूवमेंट है वो होगा, लेकिन यहाँ बाइपीडल मूवमेंट दे नहीं रखा है, तो ये बाइपीडल मूवमेंट कर लीजिए या माइग्रेटरी, बाइपीडल मूवमेंट के आधार पर ही माइग्रेटरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइग्रेटरी हैबिट। नेक्स्ट है, ओल्डेस्ट टूल मेकर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओल्डेस्ट टूल मेकर पूछा गया है, केवल टूल मेकर नहीं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, जावा मैन। राइट आंसर ऑप्शन बी, जावा मैन। नेक्स्ट है, फर्स्ट फॉसिल ऑफ अफ्रीकन एपीमैन वॉज डिस्कवर्ड बाई। राइट आंसर ऑप्शन ए, रेमंड डार्ट। नेक्स्ट है, मैन लाइक फॉर्म्स अपीयर्ड इन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लायोसीन एपोक। पेकिंग मैन इज नोन एज, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिथेकैंथ्रोपस। पिथेकैंथ्रोपस को ही आपका पेकिंग मैन कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल हैड मैन, फॉसिल मैन हैड रिलीजियस फीलिंग्स, वर्शिप एंड यूज्ड बुरियल कस्टम्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, नियंडरथल मैन। नेक्स्ट है, जियोलॉजिकली वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल्स और गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स। राइट आंसर ऑप्शन सी, मेसोजोइक। सीनोजोइक एरा इज नोन एज, तो सीनोजोइक एरा को बोलते हैं आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, एज ऑफ मैमल एंड मॉडर्न फ्लोरा। नेक्स्ट है, होमो इरेक्टस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ, तो होमो इरेक्टस जो है ये जूलॉजिकल नेम है आपका जावा एपीमैन का। नेक्स्ट है, नियंडरथल मैन डिफर्स फ्रॉम मॉडर्न मैन इन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोट्रूडिंग जॉज। नेक्स्ट है, क्रोमैग्नन मैन वॉज, तो क्रोमैग्नन मैन एक्चुअली में होता है आपका ओमनीवोर्स, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, कार्निवोर्स। राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्निवोर्स। नेक्स्ट है, एज एविडेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स विच एरा हैड नो लाइफ। राइट आंसर ऑप्शन ए, एजोइक। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ट्रू फॉर होमोसेपियंस, ऑप्शन डी डेवलप्ड चिन। हालांकि ओमनीवोर्स भी होता है लेकिन बिल्कुल 100% सब ओमनीवोर्स होते नहीं हैं। तो आपका जो मोर करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डेवलप्ड चिन। ब्रेन का साइज तो 1350 सीसी होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव नो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। राइट आंसर ऑप्शन ए एनालॉगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है, ए लिविंग कनेक्टिंग लिंक विच प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी डक बिल प्लेटिपस बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट है, अंडर सर्टेन कंडीशंस द साइंटिस्ट हैव ऑब्टेन्ड सेल लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट ट्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, दीज आर रिफर्ड एज। राइट आंसर ऑप्शन बी कोसर वेट्स। नेक्स्ट है, इन फॉर्मिंग द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाई नेचुरल सेलेक्शन डार्विन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माल्थस आइडिया ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। नेक्स्ट है, चार्ल्स डार्विन टूर्ड इन अ शिप फॉर 5 years। इट वॉज ऑप्शन सी HMS Beagle। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा इज ऑप्शन बी Balanoglossus। नेक्स्ट है, लैमार्क एक्वायर्ड करेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड एंड हैव नो एवोल्यूशनरी वैल्यू। दिस वॉज गिवन बाई राइट आंसर ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ पाइथन। राइट आंसर ऑप्शन डी हिंड लिम्स। नेक्स्ट है, की पॉइंट ऑफ लैमार्क्स व्यू अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज दैट एवरी ऑफ स्प्रिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी इनहेरिट्स करेक्टर्स एक्वायर्ड बाय द पेरेंटल जनरेशन। नेक्स्ट है, ड्यूबर्स इन 1891 फाउंड द फॉसिल ऑफ जावा एपीमैन। इट इज राइट आंसर ऑप्शन बी होमो इरेक्टस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द प्राइमेट्स इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सिनेंथ्रोपस। नेक्स्ट है, फॉसिल्स ऑकर वेयर। तो फॉसिल्स ऑकर वेयर, राइट आंसर ऑप्शन डी ऑर्गेनिजम्स आर बरीड एंड प्रिजर्व बाय नेचुरल प्रोसेसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बीन एक्सटिंक्ट रादर रिसेंटली। राइट आंसर ऑप्शन ए डोडो। ग्रेटेस्ट एवोल्यूशनरी चेंज एनेबलिंग द लैंड वर्टिब्रेट्स टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर वॉज डेवलपमेंट ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन सी शेल्ड एग्स एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एपीमैन वॉज अबाउट। राइट आंसर ऑप्शन बी 900 सीसी। जावा एपीमैन इज कंसीडर्ड टू हैव एग्जिस्टेड इन। राइट आंसर
ऑप्शन डी जावा चाइना एंड अफ्रीका। द प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर ऑफ मैन विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग लेट प्लिस्टोसिन इज राइट आंसर ऑप्शन सी नियंडरथल मैन। ड्यूरिंग फॉसिल फॉर्मेशन एंड सॉफ्ट पार्ट्स डिकम्पोज एंड हार्डर वंस आर इनफिल्ट्रेटेड बाई मिनरल एंड टर्न इंटू स्टोनी शेप्स। दिस टाइप ऑफ फॉसिल इज नोन एज ऑप्शन सी पेट्रीफाइड। फॉसिल कंटेंट्स of the elementary canal are referred as option C coprolites. Next, the age of rock is calculated on the basis of right answer option D amount of lead present. Which one of the fossil man stood first? तो right answer हो जाएगा option A Australopithecus. The feature which enabled reptiles to dominate the land fauna for 100 million years was their right answer option B heavy armor. नेक्स्ट है द स्कल ऑफ पिथेकैंथ्रोपस वॉज फाउंड इन ऑप्शन सी जावा। विच वर डोमिनेंट ड्यूरिंग मीसोजोइक एरा ऑप्शन डी रूलिंग रेप्टाइल्स। विच वन इज ट्रू रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। राइट आंसर ऑप्शन ए द प्री मोलर्स एंड मोलर्स हैव इंक्रीज्ड इन लेंथ व्हाइल रूट्स हैव बिकम शॉर्ट। नेक्स्ट है इक्वस ऑफ मॉडर्न हॉर्स फर्स्ट अपीयर्ड इन ऑप्शन बी अपर प्लायोसीन। Which of the following statement is correct? Option C. The theory of use and disuse is related to Lamarck. Next है. Which of the following statement is wrong? Right answer option C. Homologous organs have similar function but different structure. तो ये आपका wrong statement है। Next है being all mammals whale, dolphin, bat, monkey and horse have some important common ancestor but they also show conspicuous differences. This is due to the phenomenon of राइट आंसर ऑप्शन डी डाइवर्जेंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड होमोलॉगस ऑर्गन्स ऑप्शन ए हिंड लिंब ऑफ पिग डक एंड कंगारू। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इंडिकेट्स दैट राइट आंसर ऑप्शन डी मैन एंड एपीज हैड अ कॉमन एंसेस्टर्स। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन राइट आंसर ऑप्शन ए इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। द ह्यूमिंग बर्ड हॉक एंड द ह्यूमिंग मॉथ इलस्ट्रेट राइट आंसर ऑप्शन ए एडाप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा राइट आंसर ऑप्शन बी
प्रोट्रोस्पोंजिया। विच इज द लेटेस्ट एरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल? राइट आंसर ऑप्शन सी, सीनोजोइक एरा। नेक्स्ट है, प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड बाई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डब्ल्यू एम स्टैनले। एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The most convincing evidence of descent form a common ancestor comes from, right answer option C, the similarities in the biochemical composition and physiological activities of organisms. Next है, which of the following statement is correct? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द ओरिजिन ऑफ लाइफ कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द सरफेस ऑफ अर्थ कूल्ड, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बिकॉज द साइकिल ऑफ रेनिंग continued for years. Next है, the property of life is indicated by which of the following statement? Right answer option D, all of the above. Next है, the term the hot dilute soup was described by, ऑप्शन सी, हेल्डेन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इवॉल्व फर्स्ट? ऑप्शन ए, कोसरवेट्स। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एवोल्यूशन ऑफ पोरफायरिन डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस came into existence early in evolution of living system. तो ये थे इंपॉर्टेंट MCQs।